ये ऐसा होता होगा, ये सांप है मान लो, और ये रिंग है, ग्रीन बोतल को क्या मान लो, रिंग, एक रिंग, एक को समझे, और ऐसा ही गोल रहता है, हमने तो कल दिखाया था हकीकत में कैसा रहता है गोल, आपने को ऐसा क्यों दिखाते हो, एक क्वाइल दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वाइल। तो देखो यहाँ पर एक क्वाइल ऐसे, यहाँ पर शोल्डर मारा होगा, ऐसे खांचे बने होंगे, ऐसे क्वाइल लपेटा होगा, ऐसे रेक्टेंगल बना कि नहीं बना, बना क्या रेक्टेंगल, और ऐसे ऐसे कितने रेक्टेंगल होंगे, ढेर सारे, यहाँ भी एक रेक्टेंगल ऐसे वेल्डिंग होगा, उस दिन दिखाया था हमने, यहाँ से वायर ऐसे ले जाएंगे वो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से एक वायर मतलब हर जगह भर देंगे वो, ढेर सारे होते हैं। अब ये है ऐसा, ये घूमने वाला है, कौन इसको घुमाएगा, हम घुमाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी किसको देने की जिम्मेदारी है, मेरे को, और यहाँ पर ये ब्रश टच में है, देखो ऐसे ये पेन ब्रश है, तो मान लो कभी इसको घुमा रहे बोतल को, तो क्या ये कौन है, शिल्पा भारती। तो मान लो हम इसको घुमा रहे हैं, तो क्या ये ब्रश इसके टच से हट रहा है क्या, देखो तो हट रहा है कि नहीं हट रहा, नहीं, इसके पहले क्या था, दो आधा आधा था, इसके पहले क्या था, दो टुकड़ा था, ध्यान देना, स्प्लिट और स्लिप में बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं, स्प्लिट रिंग में क्या था, ऐसे दो टुकड़ा था, ये एक ब्रश के टच में था, ये एक, जब ये घूमता था तो ये वाला इधर आ जाता था, बदल जाता था कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाला एक वायर को गया था, ये वाला एक वायर को गया था, दो वायर चिपके रहते, इसमें वायर पक्का फिक्स रहता है, ये वायर जो होता है रिंग में ही आके सोल्डरिंग मारा रहता है, मतलब वो नहीं उखड़ेगा, ये जैसे ही बदलता था तो करंट बदल जाता था, याद है कहानी सबको याद है, कम्यूटेटर की, ये स्प्लिट रिंग था, कौन सा रिंग था, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ये स्लिप रिंग है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लिप रिंग, कौन सा रिंग बोलते हैं, स्लिप, फिसलना। तो याद रखेंगे कि हमेशा R1 B1 के टच में रहेगा, यहां हम लिख दे रहे हैं हमेशा, हिंदी में लिख देंगे इंग्लिश में लिखेंगे, हमेशा R1 B1 के टच में रहेगा एंड R2 B2 को टच करेगा, ये बदलने वाला नहीं है, हाफ रोटेशन हो कभी भी। अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा समझते हैं, कौन हल्ला कर रहा है, रे किसका माइक चालू है, क्या यादव जी क्या खाना बनाया घर में, ये सुना देगा क्या हम लोग को, ABCD, तो ABCD एक क्वाइल है, ध्यान दे, एक मैग्नेट है यहां पे नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फिक्स कर लेते हैं इधर से इधर, ओके, और अपने को घुमाना है, देखो घुमाना अपने हाथ में है, तो हमने क्या बोला था, दुनिया की सारी डिवाइसेस कैसे घुमाई जाती है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको कैसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज से, कैसे कैसे घुमाएंगे बच्चों, किसको ऊपर लाए किसको नीचे लाए, तो एंटी क्लॉक होगा, जल्दी बोलो, अपने हाथ में इसको कैसे, ये भी ऊपर साइड, इस ये अपने हाथ में, समझ रहे बच्चों, क्यों अपने हाथ में है, इन्होंने क्लॉकवाइज घुमाया, अपन भी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे क्लॉकवाइज घुमाया है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसको ऐसा, देखो तो ये क्लॉकवाइज लग रहा है क्या, हाँ तो मेरे हाथ में ना, तो हम क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं ना, मेरे हाथ में है मैकेनिकल एनर्जी, हमको देना है, अब हाथ से घुमाए, जनरेटर में, इंजन में लगा, कल ही बताया था बहुत सारी कहानी, हवा से घुमा दे विंड मिल में लगा के, पानी से घुमा दे टरबाइन में, स्टीम से घुमा दे थर्मल पावर प्लांट, या कहीं भी घुमा दे, हाँ, खुद पकड़ के बैठ के घुमाते रहो, पवन चक्की बना लो, तो देखो इसको कहाँ ला लेते हैं, ऊपर, इसको ऊपर ला लें, ए बी को कहाँ फोर्स लगा दिया हमने, ऊपर, कैसे बनाएंगे ऊपर, या इसी, ये नीचे लग रहा है क्या, यारो ऊपर जैसा लग रहा है, थोड़ा फील करके बताओ तुम्हें लग रहा है बे,
जस्ट इमेजिन। अब बोलो, अब बोलो, अभी नहीं लिखना। तो ए बी को आप ऊपर ले, तो ये बात हम यहां पे सुनहरे अक्षरों में लिख देते हैं बोल्ड में कि ए बी सी डी इज रोटेटेड बाय अस इन क्लॉकवाइज। आधे बच्चों को समझता नहीं है घुमा कौन रहा है, भाई अपने को घुमाने की जिम्मेदारी मिली है। इसके पहले जो मोटर पढ़े थे, जनरेटर का डेफिनेशन याद करो, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो आप मैकेनिकल एनर्जी दोगे ना जी, रोटेटेड बाय अस, तो हम लोग कौन सा एनर्जी दे रहे हैं उसको, मैकेनिकल, तब ना तुमको इलेक्ट्रिक देगा, तुम मुझे मैकेनिकल एनर्जी दो, मैं तुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा, बराबर है कि नहीं। तो क्लॉक वाइज रोटेट किए। चलिए अब कहानी चालू करते हैं। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड तो पक्का पक्का नॉर्थ टू साउथ है। अब हम लोग फोर्स की बात करेंगे। देखिए फोर्स, फोर्स की बात करेंगे और इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे। पिछली बार भी हम ऐसे लिख के दिए थे, छोटा सा होता है लेकिन बड़ा काम आ जाता है आपको। देखिए तो क्या होगा, देखिए ए बी पर फोर्स किधर होगा, ए बी पे रीड करेंगे, बस एक साइड पकड़िए। ए बी पे फोर्स किधर होगा बताइए, ए बी पे फोर्स किधर होगा, अपवर्ड, क्लॉकवाइज दे रहे हैं इसलिए, सही है क्या, फील हो रहा है लौंडा, ये ए बी पे ऐसा है, ऐसा ए बी पे फोर्स किधर होगा, अपवर्ड, टुक 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 ऐसा घुमाने का, गन 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 घूम रहा है मोटर, सॉरी जनरेटर है, समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। तो देखो ए बी को हम लोग कहां ले ले, ऊपर, हम सोच रहे थे किसको घुमाया जाए, एक खड्डा मिल रहा है मेरे को, फ्लिपकार्ट का ऑर्डर किया हुआ कुछ है लगता है। देखिए ये तो ये ऐसा है, ऐसा है यार, इसको थोड़ा इमेजिन करने का, तो इसको फोर्स ऊपर लगा तो ऐसे घूमेगा, घूमेगा वे, घूमेगा नहीं घुमा रहे हैं, घूमेगा बोलने में फर्क पड़ता है, यार घुमा रहे हैं, तो देखो ये ऐसे घुमा रहे हैं इसको। तो ए बी पे फोर्स कहाँ है, ऊपर, ये ए बी है, ए बी पे फोर्स किधर है, ऊपर, चलो लिख लिए। फोर्स पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, और अपने को निकालना है करंट, कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, जल्दी बोलो। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाइए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, आर आर हो गया, और बताइए किधर करंट बनेगा, जल्दी झट से बता दीजिए। देखिए ये राइट हैंड है क्या, हो ये धागा बांध रखे ना, तो ये इधर है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, और फोर्स कहाँ, ऊपर, तो करंट कैसे, अंदर, अंदर मतलब किधर से किधर बताओ जल्दी, है अंदर से, अरे अंदर नाम बोलो ना यार, ए टू बी ऐसे बोलना पड़ता कि अंदर बोल रहे, करंट किधर से किधर जाएगा, ए बी सी डी ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे निकलेगा, फिर बाहर सर्किट में ऐसा आएगा, जल्दी हाँ बोलो आया कि नहीं आया। इंड्यूस करंट आएगा ए बी सी डी, इंड्यूस करंट ए बी सी डी, एक्सटर्नल सर्किट में बताओ, एक्सटर्नल सर्किट मतलब बाहर, बाहर मतलब ये किससे निकल रहा है करंट, बी टू से, बी टू टू बी वन, बी टू टू बी वन, गैल्वेनोमीटर इधर मुड़ जाएगा, देखो टुंग इधर मुड़ेगा, टुंग टुंग करंट की दिशा मुड़ती है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर इधर मुड़ गया, ओ तेरी। अब देखो हम दूसरा डायग्राम बना रहे, ध्यान दीजिए, अब आधा घूमने के बाद की कहानी, आधा घूमने के बाद की कहानी, डायग्राम बना लो जिसने नहीं बनाया जल्दी से। तो आधा घूमने के बाद ये वायर पलट के इधर आ गया, देखो अभी भी R1, मतलब यहां पर कार्बन ब्रश है,
कार्बन ब्रश यहाँ है ठीक है, इसको टच कर रहा है, कार्बन ब्रश इस रिंग को टच करता है, कार्बन ब्रश फिक्स रहता है B1 के ही टच में रहेगा हमेशा, ये रिंग बताया था ना B1 के टच में रहेगा, और ये वाला B2 के ही टच में, ये बदलता नहीं है, यही बात है यहाँ लिखा है सुनहरे अक्षरों में, हमेशा R1 B1 और R2 B2 को टच करेगा, ये लिखा है, सब गोल्डन वर्ड्स है, गोल्डन वर्ड्स देखो, ये भी गोल्डन वर्ड्स है, इसी पे पूरी कहानी निर्भर है। चलिए तो ये फिक्स है, यहाँ अपना गैल्वेनोमीटर टुंग टुंग करा लीजिए, ऐसा मुड़ेगा ये जानते हैं, टुंग 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 इधर जाएगा, करंट का दिशा बदलने वाला है, बी रेडी फॉर द चेंज, करंट बदलेगा, देखो ये, देखो ये पलटी मारिस और ए बी इधर आईस, ए बी हाँ, और ये पलटी मारिस इधर आईस, तो इधर आ जाएगा डी और इधर सी, क्या ये समझा सबको, आधा घूमने के बाद इमेजिन 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 इमेजिन, ये देखो ये नीचे और ये ऊपर ऐसे चल रहा है, फोर्स भी बदल गई। चलो फिर से एक बार समझते हैं, देखो ध्यान दो, ये है ऐसा, हम इसको घुमाए ऐसा टुक, बस इस पे आप ध्यान दीजिए, ये ए बी है, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फोर्स बदल रहा है कि नहीं, एबी पे, एबी पे देख रहे, एबी पे अभी फोर्स किधर है, ऐसे घूम रहा है तो किधर है, अपवर्ड, फिर यहाँ पे किधर है, डाउनवर्ड, यहाँ किधर है, अपवर्ड डाउनवर्ड, फोर्स बदल रहा है एबी पे, फोर्स बदला तो करंट बदलेगा, सीधा रूल है भाई, फोर्स बदला तो करंट बदलेगा, देखो फोर्स अंगूठा है, अगर हम इसको नहीं बदले, मान लो ये उंगली को इधर बांध दो रस्सी से, वहां पे बांध दिए क्या, और इसको हम घुमा सकते हैं, ये घुमा दिया, देखो टुक करंट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, करंट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, जल्दी बताओ। चलिए तो आफ्टर हाफ रोटेशन, फिर से डायलॉग लिखिए, आफ्टर हाफ रोटेशन, देखना हम कुछ लोग यहां फंसा देंगे, लेकिन तुम लोग बोलना जरूर, गलती हो जाए तो भी बोलना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्या हर बच्चे गलती बोलते हैं। आधा घूमने के बाद ये इधर चला गया, ओके सर, अब फोर्स ऑन ए बी बताइए, अब ए बी पे फोर्स बताओ, जल्दी झट से बताओ यार, ए बी पे फोर्स किधर, डाउनवर्ड, करंट किधर, निकालते हैं राइट हैंड रूल लगाइए, नॉट टू साउथ, नॉट टू साउथ, फोर्स डाउनवर्ड, टक 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 टक, बाहर, ओहो हो हो हो, करंट ऐसा निकलेगा, करंट ऐसा इसमें ऐसा घुसेगा, टुक 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 टुक, करंट ऐसा निकलेगा, तो बताइए करंट का दिशा का नाम बोलिए, डी सी बी ए, सही है क्या, ठीक है, पिछली बार हमने आधा आधा लिखा था, पूरा लिख रहे हैं, डी सी बी ए करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये जरूर लिखना, बताओ बाहर करंट कैसा मिलेगा, सर्किट में, बाहरी सर्किट में कौन से ब्रश से होता हुआ कौन से ब्रश में घुसेगा, जल्दी जल्दी बोलो, B2 से B1 की B1 से B2, B2 से B1, देखो एक लड़का कैसा गलत बोल रहा है, एक लड़का गलत बोल रहा, देखो यहां से करंट चला और ये वायर में आया, और ये वायर से रिंग में आया होगा, ये रिंग से यहाँ आया होगा, क्या लड़का है, फिर यहाँ आया होगा, बट पकड़ा नहीं, फिर ऐसे क्या होगा, फिर ऐसे क्या होगा, फिर ऐसे क्या, गलत बोल रहा है, इतना बना के दिखा रहे, फिर B2 में कैसे आ गया, तो करंट किधर से किधर जा रहा है बताइए, B1 से B2, देखो तो करंट बदल गया क्या, गैल्वेनोमीटर को देखो, पहले इधर था फिर इधर, फिर इधर था फिर इधर, अब क्या होगा, ये एसी करंट है, हाँ एसी, देखते हैं फिर से, थोड़ा समझना, इमेजिन इमेजिन, लेट्स सी फाइनल स्टेज, देखिए जब ये घुमा हम क्लॉकवाइज घुमा रहे इसको, ऐसा घुमाए तो ऐसा घुमाए तो B2 to B1, ऐसा घुमाए तो B1 से B2, B2 to B1, B1 से B2, टुंग 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 टुंग, ऐसे करंट दिखाएगी गैल्वेनोमीटर, मतलब ये करंट का दिशा, ध्यान से सुनना, द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इन एक्सटर्नल सर्किट, इन एक्सटर्नल सर्किट, बाहरी सर्किट में हर हाफ रोटेशन के बाद क्या बदलते जाएगा, करंट, ऐसे ही डायरेक्शन बदलने वाले करंट को कौन सा करंट बोलाता है, अल्टरनेटिंग करंट, क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, वैसा करंट जिसका डायरेक्शन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो जाए, दिखाया था हमने उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, तुम देखो यहाँ पे बदल रहा है, जब ऐसे घुमा, देखो जब ये यहां से यहां आया उस वक्त करंट था B2 से B1, फिर यहां से आया B1 से B2, B2 से B1, B1 से B2, B2 से B1, B1 से B2, हर बार करंट टुंग 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 टुंग,
बदलते रहेगा, ये चीज दिखाएगा गैल्वेनोमीटर, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या? हाँ बोलो, आ गया तो? आ गया समझ में कि नहीं आया? तो ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब सवाल है ये करंट कितना दिशा बदलेगा एक सेकंड में, इधर ध्यान दे। तो ये करंट, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ये करंट कितने बार डायरेक्शन बदलेगा? तो अल्टरनेटिंग करंट अपना एक 1/100 बार एक सेकंड में डायरेक्शन बदलेगा, 100 टाइम्स चेंज होगा डायरेक्शन इन वन सेकंड। याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग मारा हमने, एक सेकंड में 100 बार। ओ माय गॉड, इट इज टू फास्ट। सोचो एक सेकंड में 100 बार दिशा बदलेगा इसका। अब देखो हम इसको ग्राफ से दिखाते हैं। क्या आप फ्रीक्वेंसी वर्ड सुने हो जिंदगी में कभी? है? सुना है कभी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताइए, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन बताइए। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, वेरी गुड। अब सुनना, देखो ये है एसी करंट, इसमें इसको एक ऑसिलेशन गिनते हैं, कितना ऑसिलेशन गिनते हैं एक, और इसको कितना दो, इसको कितना तीन, थोड़ा समझना। ये एक ऑसिलेशन में कितने बार डायरेक्शन बदला है? बोल लौंडा, दो बार। देखो एक बार ऊपर है डायरेक्शन, एक बार नीचे, तो दो डायरेक्शन चेंज को हम एक ऑसिलेशन मान रहे हैं। फिर से समझ लेना, 100 रुपए ज्ञान दे रहे हैं। दो ऑसिलेशन में मतलब सॉरी, दो बार डायरेक्शन बदल रहा है डायरेक्शन, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। देखो एक बार ये कहां जा रहा, ऊपर जा रहा, और एक बार कहां जा रहा, नीचे। तो जब एक बार ऊपर जा रहा एक डायरेक्शन, फिर एक बार नीचे जा रहा, दो डायरेक्शन। दो डायरेक्शन चेंज को एक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो 100 बार डायरेक्शन चेंज को कितना ऑसिलेशन बोलोगे? 50। तो एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जाता है। हमारे घर में जो करंट आता है अल्टरनेटिंग करंट, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। क्या तुम कभी चार्जर गिरजर कुछ खरीदे हो? अभी देखो मेरे को याद आया चार्जर से, ये चार्जर कहीं है। तो इस चार्जर पे तुम देखोगे तो लिखा रहता है 50 हर्ट्ज, 230 वोल्ट, 50 Hz। तो अपने घर की कोई भी चीज इलेक्ट्रिक का सामान खरीदे होगे, खरीदे हो रे, क्या खरीदा था? बस चार्जर ही खरीदते रहते तू यार, फोन वोन नहीं खरीदता है। तो ये चार्जर है, इस चार्जर पे यहाँ लिखा है 50/60, दोनों पे चल जाएगा। खैर ये चार्जर दोनों पे चल जाएगा, 50 पे भी चलेगा 60 पे भी, लेकिन कुछ चीजों पे एकदम स्ट्रिक्टली 50 लिखा रहता है, क्योंकि भारत में जो भी एसी करंट चल रहा है वो सब 50 हर्ट्ज वाला है। कितने वाला है भाई? 50। ये भी ओप्पो के चार्जर पे भी लिखा है मेरे 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो आप कुछ भी उठा लो एसी का, ये देखो मेरे आसपास तो ढेर सारी चीजें हैं, इस पे भी 50 हर्ट्ज लिखा है, इस पे भी 50 हर्ट्ज लिखा है। ठीक है, याद रखना इसको। तो एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, डीसी का कितना होता है? अंडा, जीरो, क्योंकि डीसी अपना डायरेक्शन चेंज ही नहीं करता है। देखो ये डीसी करंट ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ग्राफ होता है डीसी का, ये एसी का है, तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकंड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जब ये ऑसिलेट कर ही नहीं रहा तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हो गया एक सेकंड में? जीरो। डीसी का फ्रीक्वेंसी जीरो है। फिर से इसको समझ लेते एक बार, लेट्स सी ये क्या हो रहा है यहां पर, कि ये 100 बार डायरेक्शन बदलता है एक सेकंड में, ये जितना स्पीड में घूमता है कि एक सेकंड में 100 बार डायरेक्शन, हर आधे रोटेशन पे डायरेक्शन बदलता है, यानी एक रोटेशन पूरा करेगा तो 2 बार डायरेक्शन बदलेगा। यानी तुम बोल सकते हो एक सेकंड में कितने बार घूम रहा है ये कितने बार गोल घूम रहा? 50 बार। पागल हो गया क्या? 50 बार घूम रहा। एक बार घूमने को क्या बोलते हैं? पूरा ऐसा हुआ, एक बार घूमने में तो 2 बार डायरेक्शन बदल रहा ना। मान लो किसी ने तुमसे पूछा कि क्वायल एक सेकंड में कितने बार घूम रहा, 100 फुल रोटेशन पड़ा, ये सब चीजें पल्ले पर रही क्या? एक सेकंड में 100 बार पूरा रोटेशन मार रहा है, 100 बार, और एक नहीं 50 बार हुआ ना, सॉरी कितना बार फुल रोटेशन है बच्चों? 50 बार। और एक रोटेशन में कितने बार डायरेक्शन बदलता है? 2 बार, क्योंकि हर आधे पे एक बदल जाता है, हर आधा रोटेशन पे एक बदला। देखो एक फुल रोटेशन करने में 2 बार डायरेक्शन बदलेगा, एक फुल रोटेशन करने में 2 बार डायरेक्शन बदलेगा, यानी टोटल 50 बार घूमने में कितने बार डायरेक्शन चेंज होगा? 100 बार। क्लियर हो गया क्या? तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ रोटेशन इन वन सेकंड भी बोल सकते हो।
फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन आप लोग नंबर ऑफ रोटेशन इन वन सेकंड भी बोल सकते हैं या नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी अच्छा रहेगा। किसको किसको समझ गया जल्दी बताओ। नहीं बोल रहे सर। तो ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको हम कोप्चे में समझाए हैं। तो ये पूरा कहानी समझ में आ गया। अब हम लोग सबका कहानी लिखते हैं, सुनेंगे। कंस्ट्रक्शन बाकी था, कंस्ट्रक्शन सुनेंगे। कंस्ट्रक्शन सुन लो बच्चों, या डायग्राम बना लिए क्या? तो ये डायग्राम है आधा घूमने के बाद, आधा घूमने के पहले। ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल है। ओके, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। कोई भी चीज है आपको जो खटक रही है जल्दी बोलो। डायग्राम बना लिए। स्लिप रिंग कर्मेचर के टाइप करेंगे ना एक। हैं? स्लिप रिंग पूरा गोल रहता है। कर्मेचर के जैसे एक्ट करेंगे ना, डायरेक्शन बदलते हैं। डायरेक्शन कम्यूटेटर बोलते थे। कम्यूटेटर बोल रहा हूँ, वर्ड भूल गया। कहाँ डायरेक्शन बदल रहा है स्लिप रिंग? कहाँ डायरेक्शन बदल रहा? बदल ही नहीं रहा हूँ तो, सेम एक एक ही दिशा है। कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग होता है, स्लिप रिंग नहीं होता। स्लिप रिंग बच्चों कम्यूटेटर होता है? नहीं, यह स्लिप रिंग कम्यूटेटर नहीं। कोई बोला डायरेक्शन तो बदल रहा, बोले कहाँ डायरेक्शन बदल रहा? अंदर करंट बदल रहा तो वो बदल के दे रहा है, खुद वो बदल रहा है क्या? नहीं, वो कोई जिम्मेदारी निभा रहा? नहीं, वो कहाँ जिम्मेदारी? ये क्या हो रहा है? फोर्स बदल रहा है। देखो, फोर्स बदला, करंट बदला, उसकी कोई रोल ही नहीं है भाई। जो करंट बना वो बाहर लाके दिया। चलिए, समझ में आ गया क्या? जल्दी हाँ बोलो, ना बोलो, नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हैं। जल्दी बताओ, खराब खत्म करना है, ऐसे हिलते रहेंगे क्या हम लोग? आ गया क्या? नहीं आया क्या? फिर से बताना है। देखो रे, फिर से एक बार कर लेते हैं वर्किंग को एक्सप्लेन हम लोग। बस वर्किंग, वर्किंग को फिर से एक्सप्लेन कर लेते। देखिए, ये आपका क्वाइल है, रेक्टेंगुलर होता है। हमने आपको समझाया कि ये ऐसा होता है गोल, इस पे हम लपेटते हैं क्वाइल किस फॉर्म में? रेक्टेंगल के फॉर्म में। ऐसे स्लॉट बना रहता है, इसमें खांचे बने रहते हैं, बहुत सारे बने रहते हैं। हम लोग एक क्वाइल को स्टडी करते हैं, सबको करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। और दो कंप्लीट रिंग होता है ऐसा ऐसा, इसमें एक रॉड होता है लोहे का, बीच में साफ बोलते हैं उसको। उस रॉड पे दो रिंग होते हैं, दोनों रिंग पे दो ब्रश टच करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये घूमता है ऐसे 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 गंदा, और यहाँ इसको टच करे रहेगा ब्रश ऐसे। ये घूम रहा है फिर भी टच करेगा, ठीक है? हमेशा एक को ही टच करेगा, यहाँ पे बदलेगा नहीं। हाफ रोटेशन के बाद आर वन बी वन के टच में होगा। देखो यहाँ भी है, यहाँ पे भी था, पहले भी था, अभी भी है। आर टू बी टू को हमेशा टच करेगा। इसको घुमाना हमको है तो हम क्लॉक घुमा सकते हैं, हम एंटी क्लॉक घुमाएंगे। बुक में क्लॉकवाइज लिया था इसलिए हम लोग भी क्लॉकवाइज लिए, ताकि आप बुक पढ़ो तो आपको मेरा बात और वहां का बात क्या लगे? सेम लगे, तो उल्टा हो जाएगा, माथा खराब होगा। तो इसको क्लॉकवाइज हमने लिया है, ठीक है? जनरेटर क्लॉकवाइज लिए थे और मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, अपने आप घूम रहा था, उसमें हमने कुछ नहीं किया था। सुनिए, तो अब हमने क्या किया? क्लॉकवाइज अगर हम लिए हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसा क्लॉकवाइज होता है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो क्लॉकवाइज घुमाए हैं तो ऐसा घूमना चालू करेंगे हम। हम इसको ऐसा घुमाए, ऐसा घुमाए, यहाँ हैंडल लगा लो, ऐसा घुमाओ, जनरेटर घुमाते ना चालू कर देते। तो देखो ऐसा घुमाए क्लॉकवाइज, जैसे हमने ऐसा घुमाया तो ये कहाँ जा रही है? ऊपर। ए बी पे फोर्स कहाँ है? ऊपर। ये हाथ निकाल के रखो, ये उंगली हमेशा इधर कर लो, क्योंकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किधर है? इधर। अभी अपवर्ड, ये देखो अपवर्ड, ये उंगली सामने। करंट किधर से किधर जाएगी? ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ नाम लिखा है, बताओ देख के, ए टू बी, फिर ऐसे घूम के आएगी सी बी, और निकलेगी कहां से बाहर? बी टू से बी वन। अब ये घूम गया, टुक इधर आके, ध्यान देना, ये ऐसा इधर स्लो मोशन में, फिर ऐसा नीचे जा रही है, अब नीचे जा रही है। अब ए बी पे फोर्स कहां है? ये उंगली ऐसा रखो, अब अंगूठा ऐसा कर लीजिए डाउनवर्ड, कर लिए अंगूठा डाउनवर्ड, करंट किधर आ रहा? ऐसे देखो, ये उंगली को ध्यान दो, ऐसे इस पे देखो, इस पे भी घिस रहा है, किधर से किधर? बी टू ए, तो बी टू ए तो ऐसे भी घुमाओगे ना पूरा, तो कहां से? सी डी बी ए, फिर यहां से यहां आएगा, तो यहां से ऐसे घूमते 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 घूमते, तो कहां मिलेगा करंट? बी वन से बी टू, यानी हमको क्या दिख रहा है? करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया आधा घूमने के बाद। देखो, जब ये यहां से यहां आया तो बी टू से बी वन था, जैसे यहां आएगा
फिर आगे बढ़ेगा तो बी वन से बी टू, बी टू से बी वन, समझ में आया? ये पहले हाफ में किधर डायरेक्शन था, पहली बार जब आधा घुमा तो डायरेक्शन किधर था, बी टू से बी वन, अब फिर अगली आधा घूमने में किधर से किधर था, यानी एक बार घूमने में कितने बार डायरेक्शन बदला, दो बार, 50 रोटेशन होता है एक सेकंड में, 100 बार डायरेक्शन चेंज होता है एक रोटेशन में दो बार। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक ही बात है, ऐसे भी समझा, नंबर ऑफ रोटेशन इन वन सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशन इन वन सेकेंड कितना है 50, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा, लेकिन डायरेक्शन कितने बार बदला हुआ, 100 बार। तो एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, डीसी का जीरो होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज होता ही नहीं है। डीसी का डेफिनेशन है डायरेक्ट करंट, जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो उसको डीसी बोलते हैं हम लोग। एक तरह से एसी जनरेटर है, ठीक है, अगर डीसी जनरेटर होती तो वहां स्लिप रिंग नहीं लगता, क्या लगता, स्प्लिट। तो याद रखेंगे इस बात को, स्लिप मतलब एसी, स्प्लिट मतलब डीसी, समझ में आ गया कि नहीं आया, लिख के दे अलग से, स्लिप एसी, स्प्लिट रहेगा तो डीसी जनरेटर डीसी मोटर। चलिए आप बोलिए, किसी को नहीं समझा तो, समझ गया क्या लड़की, चला दो इधर। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिख सकते हो कि 10, देखो 10, द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दस द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दिस जनरेटर इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एसी शॉर्ट में, सो दिस जनरेटर इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एसी जनरेटर। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, टू गेट डायरेक्ट करंट डीसी, टू गेट डायरेक्ट करंट डीसी, वी हैव टू यूज स्प्लिट रिंग। देखो हमने लिख दिया स्लिप रिंग, जब यूज करोगे तो एसी जनरेटर होगा, और जब स्प्लिट रिंग यूज करोगे तो कौन सा जनरेटर होगा, डीसी जनरेटर होगा। For DC current, direct current, we have to use split ring. AC DC में डिफरेंस लिखे हैं आप लोगों ने, AC DC में आप डिफरेंस लिखे हैं क्या, घर से लिख के ला लेना, नोट्स हमें भेजा है उसमें लिखा होगा, ठीक है, हम आपको सुना दे रहे हैं, हमने आपको पीडीएफ नोट्स भेजा है, उसमें एसी डीसी में डिफरेंस लिखा, आप अच्छे से पढ़ के लिखना, गलती मत लिख लेना। बार बार बोलते हैं कि नोट्स किसी बच्चे के द्वारा लिखी जाती है, डोंट ट्रस्ट 100% ऑन द नोट्स, अगर आप गलत उसमें से देख के लिखोगे हम ये कभी नहीं मानेंगे कि आप नोट्स में से लिखे हो, ये कभी मत सुना दे रहे सर आपके नोट्स में ऐसा लिखा, बिकॉज हम ऑलवेज बोलते हैं कि नोट्स किसी बच्चे के द्वारा लिखा गया है, उस पर आप पूरा रिलायबल नहीं रहे, आपको पढ़ाया जाता है, आप समझे उसको पढ़े, जब लगे कुछ गलत है तो आप काट देगा, कंफर्म है तो, नहीं कंफर्म है तो हमको मैसेज करें, कॉल करें, हम बता देंगे कि गलत है किसे। चलिए तो एसी और डीसी में डिफरेंस सुन ले, अल्टरनेटिंग करंट, क्या नाम है, अल्टरनेटिंग, एसी का पूरा नाम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का पूरा नाम क्या है, डायरेक्ट करंट। हम आपको ग्राफ बना के समझाए थे, अल्टरनेटिंग करंट का ये ग्राफ होता है, देखो ये बदलते रहता है, और ये डीसी करंट का ग्राफ है, इधर टाइम ले लो और इधर ले लो करंट, मतलब करंट के और टाइम, करंट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, यहां पे जो करंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, नहीं बदलता है। तो एसी करंट का डेफिनेशन भी यही है, द करंट हुज डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली या रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम या आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम
ये सब कुछ भी वर्ड लिख लो चलता है, वैसा करें जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी लिखना चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो जाए उसको कौन सा करंट बोलते हैं एसी, और जिसका चेंज नहीं हो उसको कौन सा बोलते हैं डीसी। एसी एसी जनरेटर, ये तो डिफरेंस यहां पे मिल गया, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग लगता है और डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग लगता है। एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, ठीक है। एसी को लॉन्ग दूरी तक भेज सकते हैं, डीसी को ज्यादा दूरी तक नहीं भेज सकते, इसीलिए तो हमारे घर में एसी आ रहा है, क्योंकि पोल से चल के आता है ना बहुत दूर से, क्या भाई एसी में पावर लॉस ज्यादा होगा, एसी में एसी में पावर लॉस कम होगा, डीसी में ज्यादा होगा, इसीलिए डीसी को ज्यादा दूर नहीं भेजते हैं, जब चाहिए जब बना लेते हैं। देखो ये बाजार में बिक रही है डीसी बनाने के लिए, ये सामान बिक रही है, बनाया ना डीसी तुमने, यहाँ क्या दिया तुमने एसी, यहाँ से क्या मिला और ये कहाँ गया मोबाइल में, मोबाइल में क्या है बैटरी, बैटरी डीसी से चार्ज होगी, एसी से तो नहीं होगा क्योंकि बैटरी डीसी वाला है, यहाँ डीसी मिलता है। कभी आप पढ़ोगे तो इस पे लिखा भी रहता है, सब चाइना का माल है फिर भी लिखा रहता है इसमें, ठीक है। इनपुट एसी है आउटपुट डीसी है, तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट गया और मिला कौन सा करंट डीसी करंट। तो तुम कभी भी बैटरी को डायरेक्ट चार्ज करते हो क्या, दो वायर जोड़े जोड़ चार्ज हो गया जैसे बल्ब जलाते हो, नहीं, चार्जर चाहिए, लैपटॉप के लिए चार्जर चाहिए, कोई भी चीजों के लिए चार्जर चाहिए जिसमें बैटरी लगती है, ध्यान देना इस बात को, क्यों, क्योंकि चार्जर का क्या काम होता है, वो एसी को कायम बदलेगा डीसी में। तो सवाल आया कि सर डीसी हमारे घर में आ क्यों नहीं रहा है, तो जवाब तुम समझ गए, क्योंकि डीसी में पावर लॉस क्या है ज्यादा है, बहुत नुकसान होगा, आपको चाहिए आप तुरंत बना लो, बना के रखो मत, भेजो मत दूर तक, ये मत सोचो कि हमको डीसी बन के आए घर में आए तो बहुत नुकसान हो जाएगा पावर का। क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी पूछा जा सकता है, तो क्या एडवांटेज है कि एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग रेंज बिकॉज पावर लेस इन एसी इज नेग्लेजिबल कम लेस, बट डीसी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग रेंज बिकॉज लॉस ऑफ पावर विल बी क्या ज्यादा, ज्यादा क्या बोलते हैं इसमें, हाँ मोर। तो लिख लो क्वेश्चन, लिख लो बुक अपने कॉपी में, क्वेश्चन लिखो राइट एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, राइट एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, या इसी के दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है व्हाई एसी करंट इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग रेंज, व्हाई एसी करंट इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग रेंज नॉट डीसी। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर पावर लॉस में जुड़ा है, लिख लिया बच्चों। चलिए अब डोमेस्टिक, चलिए बच्चों तो आज खत्म करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थोड़ा सा बच गया है, ये टॉपिक है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आप सभी के घर में वायरिंग हुआ होगा, तो आपके घर में वायरिंग इसी कॉन्सेप्ट पे होता है, नॉट टेलिंग एग्जैक्टली ऐसा हुआ है बट ऐसा ही आइडिया कुछ लगाया जाता है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या क्या होता है। तो हमारे घर के सर्किट में थ्री कलर का वायर यूज होता है, पहली बात ये याद रखें, थ्री कलर्स ऑफ वायर्स, कौन कौन वायर है बच्चों, पहला वायर है रेड कलर का, ये दिख रहा है, लाल पेन खत्म हो गया बेचारा, ब्लू बना दिया लाल से, तेरा तूने गेम कर दिया ना, एक लफड़ा है, देखो ब्लू पेन से बना दिया है, कोई बात नहीं है, लाल तार खत्म हो गया इसके भी, 220 तक ही था रेड वाला, तो रेड वायर होता है, रेड इंसुलेशन, रेड इंसुलेशन का जो वायर होता है उसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, लाइव, लाइव वायर। उसके बाद आता है बच्चों ब्लैक इंसुलेशन का वायर, ब्लैक इंसुलेशन, ब्लैक इंसुलेशन, ब्लैक इंसुलेशन को हम लोग न्यूट्रल वायर बोलते हैं, न्यूट्रल। और तीसरा है बच्चों ब्लू इंसुलेशन, नहीं ब्लू नहीं है, देखो गड़बड़ा दिया इसने, ग्रीन इंसुलेशन का वायर, इसीलिए कलर सही बनाना चाहिए, कंफ्यूज होता सामने, ग्रीन इंसुलेशन का जो वायर है बच्चों वो कौन सा वायर है बताइए, अर्थ वायर, अर्थ वायर या अर्थिंग एक ही होता है। तो संडे को टेस्ट है बायोलॉजी का तीन चैप्टर का, लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी ऐसे भी आसान है पहली चीज, दूसरा कंप्लीट थ्योरेटिकल है, डायग्राम और थ्योरी दो ही चीज होता है,
आपको करना कुछ नहीं है, या तो आप पूरे नोट्स पढ़े मेरे, और आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो ज्यादा बेस्ट है आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ें, इट विल बी बेटर फॉर यू। 3 चैप्टर है, आराम से 4-5 दिन है, लाइव प्रोसेस आप पढ़ चुके हो, रिवाइज कर चुके हो, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हो, रिवाइज कर चुके हो, सिर्फ रिप्रोडक्शन अभी ताजा ताजा पढ़े हैं, तो चैप्टर ही इंटरेस्टिंग है, तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में, तो खैर हमको नहीं लगता भाई जाने वाली है। अगर टेस्ट इसका रहता क्या बोलते हैं तो फिजिक्स गिजिक्स का तो हम पोस्टपोन कर देते, इसमें कंसेंट्रेशन चाहिए। ठीक है, तो बायोलॉजी एक लिटरल सब्जेक्ट है, बच्चे तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, बायोलॉजी का टेस्ट अभी लेना है कि अभी ले लो, ऐसे वाला हाल रहता है। तुम लोग यार 4 दिन का टाइम दे रहे हैं तो भी बहानेबाजी चालू कर दी, ये है वो है। चलो इधर ध्यान दो, तो ये समझ में आ गया। अब रेड इंसुलेशन लाइव न्यूट्रल, अब देखो डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ये जो गोल गोल बने सब फ्यूज होता है, फ्यूज फ्यूज क्या होता है, तो यहां से एक वायर गया रहता है, अगर ये वायर पिघल गया, मान लो ये वायर पिघल गया, तो देखते हो फ्यूज पिघल जाता है, उड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं, बट वो पिघलता है, तो पिघलेगा तो करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये हमारे पूरे सर्किट को बचाता है। फ्यूज क्या करता है, पूरे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है हाई करंट से। यहाँ भी अलग अलग कमरे का फ्यूज है, देखो तुम देखोगे तुम्हारा एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है घर के बाहर, देखोगे उसमें फ्यूज लग रहे, तो ढेर सारे एमसी भी लगता है, आजकल के लेटेस्ट जमाने में फ्यूज के जगह क्या लगता है, एमसीबी। देखोगे ऐसे गिरा दो तो एक कमरा बंद हो जाएगा, फिर गिरा दो दूसरा कमरा बंद होगा, देखे होंगे सबने। तो ये अलग अलग घर का सर्किट है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मतलब बंटवारा हुआ, यहीं से करंट बटा है हर कमरे में जाके। ये इलेक्ट्रिक मीटर है, मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, उसके बाद गया। अब देखो ये पहला कमरा, ये दूसरा, ये तीसरा, हर कमरे का सप्लाई पैरेलल में है, क्यों है पैरेलल में, ताकि सबको कितना वोल्टेज मिल सके, 220 वोल्ट। आपने पढ़ा है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। अगर वोल्टेज कम मिलेगा तो आपका बल्ब का ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, टिंग कम हो जाएगा। बल्ब कौन ज्यादा ब्राइट जलेगा, जिसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, देखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कोई। देखो एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि दो बल्ब है, एक सीरीज में जुड़ा हुआ है और एक पैरेलल में, बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा ये करेगा, ब्राइट जलेगा, अभी देखते हैं। पैरेलल, वेरी गुड, क्यों, पैरेलल में वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, समझ गया, पैरेलल में वोल्टेज, यहां पे वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, मान लो हम 20 वोल्ट दिए तो बढ़ जाएगा 10-10 हो जाएगा, कहानी खत्म, डिम डिम। अगर आपने सीरीज लाइट कभी जलाया होगा, दिवाली में जलाया हो क्या, तो अगर आप सीरीज को सीरीज में जोड़ दिए, मतलब एक को ऐसे जोड़ते जाओ, तो ब्राइटनेस उसकी कम हो जाती है, और पूरे सीरीज का प्लस एक साथ माइनस एक साथ और फंसा दो तो ब्राइटनेस अच्छा जलती है, कभी किए हो कनेक्शन तो देखे होते। तो पैरेलल वाली बल्ब ज्यादा ग्लो जलेगी, है? हाँ देखिए, ऐसा ऐसा कोई सोचता है, ये गलत सोचने वाले लोग ऐसे ही सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत दे देते हैं। हम बहुत सारे समझदार बच्चों को ऐसे देखे करते हुए, वो क्या बोलते हैं, देखो उनका लॉजिक सुनना उनका लॉजिक देखो, वो क्या बोलते हैं, सर यहां पर करंट सेम रहता है, हाँ, और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, हाँ, तो करंट कम हो गया, हम बोले हाँ सही बोला तूने, तो उन्होंने ऐसा बोला, करंट डिवाइड होता है पैरेलल में, यानी करंट यहाँ बढ़ गया, मान लो 1 एम्पियर आया तो आधा आधा मिला, तो बल्ब धीरे चलना चाहिए। बोले तेरे को किसने बोला कि करंट से ब्राइटनेस डिसाइड होता है, ये तो तुम अपने मन से सोच लिए ना, ब्राइटनेस डिसाइड किससे होता है, वोल्टेज से। बोला क्यों, तो हम तुमसे एक सिंपल सवाल पूछते हैं, मेरे पास पाइप है, देखो पानी, करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए पानी समझे, पानी वाटर फ्लो, अब यहां से यहां पानी फ्लो कराना है, फ्लो का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, मान लो यहां पर प्रेशर है 100 और यहां पे 0, और दूसरा पाइप है इसमें प्रेशर है 10 और 0, किसमें ज्यादा जम से पानी जाएगा, प्रेशर इसमें जाएगा, तो हमको पानी का फ्लो डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रेशर पे, हाँ समझ गया, फ्लो ऑफ पानी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसा आप समझे, यहां पे वोल्टेज कम हो जाता है, सॉरी यहां पे कम हो जाता है, डिवाइड होता है सीरीज में, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई करंट, हाई फ्लो ऑफ करंट, क्लियर है, तो पैरेलल में बल्ब ज्यादा ग्लो जलेगी, इस बात को गांठ बांध ले दिमाग में, बांध लिए गांठ, ऐसी याद आ गया तो बताती है क्या। तो देखो तो क्या बता रहे थे हम, ये 3 बल्ब जुड़ी हुई, मतलब सॉरी 3 कमरे है, ये 3 पिन सॉकेट है, चार्जिंग करेंगे अपन, इसमें एक जो मोटा सॉकेट होता है उसमें अर्थ वायर होता है, क्यों मोटा सॉकेट होता है, एरिया ज्यादा रेसिस्टेंस कम, ये तो सब समझता ही होगा, अब अर्थ वायर का रेसिस्टेंस कम ही रखा जाता है ताकि करंट फटाक से अर्थ में चला जाए, बताया तो जिधर रेसिस्टेंस कम है करंट उधर ही ज्यादा जाएगी, तो हम तुमको बताए भी थे अर्थिंग का, अभी हम लिखवा के देंगे, अर्थी टेंशन मत लिया। तो लाइव न्यूट्रल वायर ये समझ गया, इसमें आपको 3 चीजें समझना है, पहली चीज क्या समझना है,
कि पैरेलल कनेक्शन होता है हमारे घर में, पैरेलल कनेक्शन होता है हमारे घर में, क्या लिखते हैं, पैरेलल कनेक्शन ऑफ ऑल रूम्स ऐसा। उसके बाद दूसरी बात आप समझिए, फ्यूज को सीरीज में लगाया जाता है, ये देखो फ्यूज कहां में लगा है, सीरीज में, घर में दो प्रकार की सर्किट बनाई जाती है, यहां से जो वायर चलेंगे वो दो प्रकार के, एक मोटा वायर एक पतला वायर, अगर आपके घर में वायरिंग हुआ देखना, आप कहीं कभी वायरिंग का डब्बी खोल लेना और देखना चार वायर गए होंगे, अगर तुम्हारे घर में पावर सर्किट है तो। कुछ लोगों के घर में पैसा बचाने के चक्कर में नहीं होता है, पावर सर्किट ही नहीं होता है, मतलब वो एक मोटी सॉकेट होती नहीं क्या जिसमें अपन प्रेस व्रेस चलाते हैं, है तेरे घर में, देखो ये पैसा बचाने अभी प्रॉब्लम होगा तेरे को, एसी लगाएगा तो प्रॉब्लम, या तो गीजर लगा, मतलब कुछ भी बड़ा हाई पावर डिवाइस लगाएगा तो सॉकेट उड़ जाएगी तेरी, फिर बस सेपरेट वो बनाना पड़ता, एक्सटेंशन बोर्ड लगाओ, फिर लोचे हैं बहुत सारे। सुनो फिर, तो हम क्या बता रहे थे, घरों में दो प्रकार की सॉकेट बनाए थे, एक पावर सॉकेट एक नॉर्मल सॉकेट। पावर सॉकेट आप आराम से पहचान सको तो मोटा मोटा छेद रहता है उसका, और नॉर्मल सॉकेट पतले पतले। तो होता क्या है तुमको बता दे, 5 एम्पियर करंट और 15 एम्पियर करंट, दो प्रकार की सर्किट बनाई जाती है, 5 15 5 15। 5 एम्पियर करंट का सर्किट लो पावर एप्लीकेशन, मतलब कम पावर खाने वाले को दिया जाता है, जैसे कि आपका मोबाइल बल्ब पंखा ये सब छोटे लो पावर डिवाइस है, 5 एम्पियर के अंदर में निपट जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ज्यादा करंट खींचती हैं, जैसे कूलर, गीजर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो इनके लिए तो भाई पावर सॉकेट मांगता है। अगर आप इस सॉकेट में चला दिए तो हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे घर में नहीं चल रहा है, कोई बड़ा होशियार बनता है, मेरे घर में तो चल रहा है, अच्छा कितने दिन चलेगा ये भी देखना है, तुम देखना अभी एक दो महीने में काला आ जाएगा सॉकेट, फिर चेंज करो, फिर काला आ जाएगा चेंज करो, यही चलते रहता है, जल जाता है गर्म होकर। तो क्या होता है, खैर आजकल 5 स्टार फ्रिज आ गए हैं, तो 5 स्टार फ्रिज है तो चल जाता है, वो कम पावर खींचती है, लेकिन अगर 5 स्टार नहीं है तो भाई तो उड़ाएगा पक्का, ना कर उड़ा देगा, टेंशन मत लो। तो फ्यूज इज आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, ये बात समझ गई। तो देयर आर टू टाइप्स, ये भी लिख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग में दो प्रकार का सर्किट होता है, 5 एम्पियर सर्किट और दूसरा 15 एम्पियर सर्किट। 5 एम्पियर सर्किट बच्चों लो पावर डिवाइसेस के लिए होता है, लो पावर डिवाइसेस लाइक फैन बल्ब इत्यादि, और ये हाई पावर डिवाइसेस, हाई पावर डिवाइसेस मतलब कूलर, प्रेस या आयरन बोलते हैं ना प्रेस बोलते हैं। उसके बाद गीजर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो जो लिखना लिख रहे हैं, ठीक है। तो 5 एम्पियर वाले में 5 एम्पियर का फ्यूज लगता है और 15 एम्पियर वाले में 15 एम्पियर का फ्यूज लगता है। चलो अर्थ वायर पे हम लोग चर्चा करते हैं, बिता दीजिए, ये डोमेस्टिक सर्किट आपको समझ गया। तो हर सॉकेट में अर्थिंग दिया गया, देख लो ध्यान से, और अर्थिंग कनेक्शन मोटा वाला रहता है क्योंकि रेसिस्टेंस कम रहेगा तो जल्दी से करंट अर्थ में जाएगा। अभी हम तुमको बताते हैं, लो रेसिस्टेंस होना चाहिए अर्थ वाले का। अर्थ में तार का रेसिस्टेंस हमेशा कम रखो, कॉपर वायर लगाओ, मोटे सॉकेट रखो, कॉपर प्लेट डालो, मतलब ऐसा कम रेसिस्टेंस होना चाहिए जगह करंट को मौका मिले छूट के तो किधर भागे फटाक से, अर्थ में, कहीं और जाए नहीं, कहीं और गया तो तुमको निपटा डालेगा, नहीं जला जुला देगा, अर्थ में जाकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब हम लोग अर्थ वायर को देखते हैं, अर्थ वायर से सवाल किया था, ऐसा लिखो, देयर आर, ऐसा लिखते हैं, सुनिए, देयर आर टू सेफ्टी डिवाइसेस इन डोमेस्टिक सर्किट। हमारे डोमेस्टिक सर्किट में दो डिवाइस है जो सेफ्टी करता है, पहला है अर्थ वायर और दूसरा है बच्चों फ्यूज। पहला पढ़ लेते हैं, अर्थ वायर,
ग्रीन इंसुलेशन रहता है, इंसुलेशन समझता है ना, कवर को बोलते हैं ग्रीन इंसुलेशन वायर कनेक्टेड टू अर्थ, अर्थ में कनेक्ट रहना चाहिए, अर्थ में जमीन में सब कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्टेड टू मेटल प्लेट डीप इन अर्थ, ऐसा लिखो, कनेक्टेड टू मेटल प्लेट डीप इन अर्थ। एक कॉपर का प्लेट डालते हैं, पता है तुम लोग को ये बात, नीचे जब तुम्हारे घर में वायरिंग हुई होगी, एक कॉपर का इतना बड़ा प्लेट डालते हैं, उसमें वो वायर टच करता है, जमीन में जाना चाहिए, पता नहीं हुआ कि नहीं तुम्हारे घर, मेरे घर में तो हुआ, तो जरूरी है। कनेक्टेड टू मेटल प्लेट डीप इन अर्थ नियर हाउस, ठीक है, उसी को अर्थ बोलते हैं। हाँ, लाइटनिंग अरेस्टर भी ऐसा ही होता है, वो भी तो अर्थिंग ही देता है, इज कॉल्ड अर्थ वायर या अर्थिंग। क्या करता है अर्थिंग, क्या करता है भाई, देखो इट, यही बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना है, इट प्रोवाइड लो रेसिस्टेंस पाथ, लो रेसिस्टेंस पाथ टू द करेंट, टू द करेंट, ये 100 रुपए की बात है, करेंट उधर ही जाएगा जिधर रेसिस्टेंस कम है। तो इसको ऐसा सेटिंग किया जाता है, कॉपर प्लेट लगाए, कॉपर का तार डाले, मोटा सॉकेट बनाए, साला हर जगह हमने ध्यान दिया कि रेसिस्टेंस कम रहना चाहिए, ध्यान दिया कि नहीं, मोटा क्यों किए, आर कम, एरिया ज्यादा, रेसिस्टेंस कम, कॉपर क्यों लगाए, बेस्ट कंडक्टर, कॉपर प्लेट डाले, अब क्या चाहिए, सिल्वर लगा दे, बहुत हो गया। क्यों लो रेसिस्टेंस, क्योंकि करंट हमेशा लो रेसिस्टेंस पाथ पे ही जाएगी, ये आदत है करंट। तो इट प्रोवाइड लो रेसिस्टेंस पाथ टू द करंट सो दैट इफ देयर इज एनी लीकेज करंट इन द बॉडी ऑफ कंडक्ट इन द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, ऐसा लिखना चाहिए, इन द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, कौन सी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बच्चों, ये भी बता देंगे आप, इलेक्ट्रिक प्लेस लाइट भी लिख देते ब्रैकेट में, प्रेस में बहुत करंट लगता है, पहले मेरे गांव में एक प्रेस थी, करंट लग गया मेरी मम्मी को, सब लोग ध्यान नहीं देते, लाइक इलेक्ट्रिक प्रेस, प्रेस बोलते हैं, आयरन लिखवा दिया तुमने, इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, कूलर बहुत झटका मारता है, बराबर है, फ्रिज भी लगता है कभी कभी, फ्रिज तो आजकल प्लास्टिक की बन रही है, पुराने जमाने में फ्रिज टीन का बनता था, टीन का टप टप, एसी भी प्लास्टिक की बनती है, इसका बॉडी मेटल का है उससे नुकसान है, प्लास्टिक तो बैड कंडक्टर है, करंट आएगा भी तो मेरे को लगेगा नहीं, छू देंगे तो इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, कूलर, ईटीसी, जिसका मेटालिक बॉडी है, याद रखना मेटालिक बॉडी, उसी में अर्थिंग से प्रॉब्लम है, मतलब अर्थिंग जरूरी है, और जरूरी तो सबको है, लेकिन उसमें मस्ट होना तो तुम निपट जाओगे, बाकी में नहीं रहेगा तो वो डिवाइस जलेगा, मेरा सामान खराब हो जाएगा, लेकिन हम तो बचेंगे ना, उसमें देख अर्थिंग नहीं हो रहा तो लपट जाएगा अपन, वो पूरा मेटल का है ना, देख अर्थिंग नहीं है उसमें, छूना मत, है अभी नए वाले प्रेस में आ रहे हैं प्लास्टिक ऊपर, पूरा प्लास्टिक प्रेस में कभी नहीं हो सकता, प्लास्टिक गर्म कैसे होगी नीचे तो कंडक्टर लगाना ही पड़ेगा, क्या एसी को भी टच करते ना, साफ ऑफ करने के लिए करना पड़ता है। इट प्रोवाइड लो रेसिस्टेंस पाथ टू द करंट so that if there is leakage current in the body of electric device, it passes to the ground. It passes to the ground. Hence,
इट प्रोटेक्ट, हेंस इट प्रोटेक्ट यूजर, हेंस इट प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक तुमको लगने से बचा देता है, ठीक है। अर्थिंग सबको लगाना चाहिए, लेकिन स्पेशली उनको अवश्य लगाएं जिनका बॉडी मेटल का बना हुआ है। चलिए हो गया, आगे बढ़े, फिर उसके बारे में चर्चा करें। ऊपर सिंटा लिए तो अब इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या डेफिनेशन है? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। ध्यान सुनेंगे, द सेफ्टी डिवाइस, विच प्रोटेक्ट, शायद हम फ्यूज पढ़ाएंगे तुमको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाएंगे, विच प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। इट्स कॉल्ड फ्यूज। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज क्या है भाई, फ्यूज में क्या खास बात है, फ्यूज वायर का प्रॉपर्टी बोलो या फ्यूज का बोलो, एक ही बात है। तो सबसे पहली खास बात है कि इस तार का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए ताकि गर्म आए तो इनसे पिघल जाए। बहुत मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा पिघलेगा नहीं, पूरा सामान पिघल गया घर का, लेकिन फ्यूज ही नहीं पिघला। क्या मतलब बना फ्यूज लगा के, एसी पिघल के चू गया मेरा, लेकिन फ्यूज नहीं पिघला। कैसा फ्यूज लगा दिया तुमने यार, टंगस्टन का लगा दिया लगता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज क्या है, तो फ्यूज वायर शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रसिस्टिविटी। ये याद रखिए, रसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ओके। दूसरा प्रॉपर्टी है फ्यूज को सीरीज में लगाइए, पैरेलल लगा दोगे करंट ही नहीं जाएगा उधर से। देखो कैसे हाई रसिस्टेंस, ज्यादा रसिस्टेंस वाले रास्ते से करंट नहीं जाता। तो मान लो पैरेलल में दो वायर होता ना, एक ऊपर और एक नीचे, तो क्या होगा, फ्यूज यहां लगा है। ये वही बात होगी कि तुम्हारे घर में दो गेट है, अब गार्ड खड़ा है पहले गेट पे, चोर पिछले गेट से घुस के चोरी भी कर लिया, चोरी हो गया सामान भी चला गया, गार्ड बंदूक ले खड़ा ही है। क्या मतलब बना गार्ड का, कोई मतलब बना भाई, एक गेट रखो एक गार्ड रखो, देखो फिर कैसे चोरी होता है, गार्ड चोर तो उधर से आएगा ना, समझ में आ गया ना। तो अब सीरीज रखो, एक रास्ता रखो, एक फ्यूज रखो, भाई सब करंट को मजबूरी से वहां से जाना पड़ेगा। तो फ्यूज वायर या फ्यूज इज शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, याद रखो, ताकि सारा करंट उससे पास हो। पैरेलल में क्या, सारा करंट पास नहीं हो सकता ना, ये दो बात ध्यान रखना है फ्यूज में। अब हाउ फ्यूज वर्क, ये सवाल आ सकता है, फ्यूज कैसे काम करता है। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, देखो शॉर्ट सर्किट समझते हैं, शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट। देन रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट डिक्रीजेस सडनली, एंड करेंट इंक्रीजेस, सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस।
विच मे कॉज फायर। इसी कंडीशन को हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। दिस कंडीशन मे कॉज लिखे, कुछ गारंटी नहीं है, इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। देखो समझो क्या है, देखो समझो, ये मान लो ये तार गया ऐसे जा रहा है, मान लो यहाँ पर चूहा ने कुतर दिया, खा गया इसका इंसुलेशन, खा सकता है ना। या मान लो ऐसे दो तार चिपक के जा रही है, गर्म आई और पिघल गई, कुछ भी हुआ, या यहाँ पर कट गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, यहाँ का इंसुलेशन निकल गया और ये टच कर गया लो, अब करंट आगे नहीं जाएगा। देखना, करंट ऐसा जाता था ऐसा आता था, अब यहाँ टच हो गया तो उधर जाएगा बे, करंट ऐसा जाएगा ऐसा आ गया, तो इसका रास्ता क्या हो गया, छोटा छोटा रास्ता। करंट जिस रास्ता से चलता है उसको क्या बोलते हैं, सर्किट। व्हाट इज सर्किट, द क्लोज पाथ बाय विच करंट पासेस इज कॉल्ड सर्किट। पढ़े हो आ, तो छोटा सर्किट तो क्या नाम रखा इसका, शॉर्ट सर्किट। समझा शॉर्ट सर्किट क्यों नाम है बे, मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर में देखे होंगे शॉर्ट सर्किट, सुने बे सर्किट इधर आ। तो ये क्या है शॉर्ट सर्किट, क्यों है नाम समझ गया आपको, क्योंकि अभी लंबा रास्ता नहीं लगे, यहीं से घूम जाएगा लो। अब रेसिस्टेंस कैसे बढ़ा भाई, तो देखो अब इतना दूर जाता फिर घूम के आता तो रेसिस्टेंस हाई होता, क्योंकि वायर का रेसिस्टेंस होता है थोड़ा 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 थोड़ा। यार ओ मत सोचो, तुम आर सोचो, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, पढ़े हो गए पहले, ऐसे लंबा जाता था तो एल ज्यादा था तो आर ज्यादा था। अब शॉर्ट सर्किट जब रास्ता ही शॉर्ट हो गया तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम। देखो लिखा है यहाँ पे रेसिस्टेंस सर्किट का घटक, आर घटेगा तो करंट क्या होगा, सनसना के बढ़ेगा। अब करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, आई स्क्वायर आर टी, पढ़े हो पढ़ो है, आई डबल तो ये चार गुना हीट बढ़ेगा, स्क्वायर हीट बढ़ेगा तो आग लग जाएगा, आग लग सकता है, प्लास्टिक की है पूरी वायर, पाइपलाइन सब प्लास्टिक ही रहता है। दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, तुमको समझ गया होगा शॉर्ट सर्किट में आग क्यों लगता है, समझा भाई। अब क्या हो, पूरा भी टूट जाएगा तो भी बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। देखो ये मान लो ऐसे वायर जा रहा है, यहां से कट गया, जब कट गया तो इसका सिरा फ्री हुआ ना, तो ये इसमें टच सकता ना, क्योंकि तो बगल बगल से वायर जाते हैं, इनसे मतलब। तो शॉर्ट सर्किट समझ गया, तो फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट, फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। कैसे 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 कैसे, तो जैसे ही हाई करंट पास होगा, व्हेन हाई करंट पासेस थ्रू द सर्किट, जैसे ही हाई करंट पास होगा सर्किट से, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट के बाद तुमको पता है स्टॉप कर देगा फ्लो ऑफ करंट, स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट, और प्रोटेक्ट कर लिया, क्लियर हो गया। ये शॉर्ट सर्किट कहानी हो गई। अब ओवरलोडिंग की कहानी सुनते हैं भाई, ओवरलोडिंग से भी बचा सकता। ओवरलोडिंग क्या होता है, जब आप एक ही सॉकेट में लार्ज नंबर ऑफ अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दिए, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, वेन लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन द सेम सॉकेट। This condition is called overloading. ओवरलोडिंग से भी शॉर्ट ही सर्किट होता है। कैसे, ज्यादा करंट खींचने लगेंगे सब, वायर गर्म हो जाएगा, वायर गर्म होगा पिघलेगा, शॉर्ट सर्किट होगा। फिर से नहीं समझा, अब ज्यादा डिवाइस जोड़े तो करंट बढ़ाएगा। देखो लिखो यहां पे, ओवरलोडिंग इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक करंट, समझना सीक्वेंस को, करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो वायर मेल्ट होगा,
वायर मेल्ट होगा, अगर फ्यूज है तो उड़ेगा, नहीं हो फ्यूज है तो, फ्यूज नहीं है तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। अगर फ्यूज होगा तो यहां जैसे ही करंट बढ़ेगा यहीं तक, यहीं रोक लेगा, हीट बढ़ने नहीं देगा, ये पूरी हालत बन जाएगी। अगर फ्यूज होगा तो करंट बढ़ेगा तो फ्यूज मेल्ट, आगे कहने बंद। चलिए हो गया, मिटा दें। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चों, एक क्वेश्चन एकदम कर लेंगे हम लोग छोटा सा, ऐसे हो सकता है हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कराए हो, फिर भी बोला एक 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 डिवाइस है, सुन लो, एक डिवाइस है 2 किलोवाट का, किलोवाट पावर है तुमको भी पता है, जो कि 220 वोल्ट पे यूज हो रहा, 5 एम्पियर का फ्यूज लगा है। बोला व्हाट विल हैपन, क्या पूछना चाह रहे हैं ये पता है क्या, कि फ्यूज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, पहला सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, देखते हैं। देखिए तो पावर का फॉर्मूला है, पावर का वैल्यू लिख लो पहले, 2 किलोवाट, किलो तो चलता नहीं है, SI यूनिट चलता है फिजिक्स में लौंडा, तो किलो को हटाएंगे तो 2000 हो जाएगा ये वाट पावर। अब वोल्टेज है 220, अगर इलेक्ट्रिसिटी जिंदा है दिमाग में, जिंदा है, पावर का फॉर्मूला बोल, V into I, तो I का फॉर्मूला यहां से बन जाएगा P by V, P हो गया 2000 by 200, मर गया 10 एम्पियर, गया फ्यूज गया कि नहीं गया, फ्यूज विल मेल्ट। अच्छा एक बच्चा यहाँ पे लिखा फ्यूज विल फ्लाई, क्यों हम लोग लाइफ में क्या बोलते, फ्यूज उड़ गई, अरे तो भी उड़ जाएगा फ्यूज, फ्यूज विल मेल्ट। चलो 220 कर दिया जाए, बच्चा 220 कर रहा है, 220 2000 जीरो से जीरो मर गया, 22 से 11 ये 100 बटा 11 बोलो बच्चा, 100 बटा 11 बोलो, 10 एकम 10 सही है ना, 100 बाई 11 आएगा ना, उड़ा के नहीं उड़ा फ्यूज, हम पहले ही बोल दिया उड़ेगा तो फ्यूज विल मेल्ट, फ्यूज विल मेल्ट। चलो समझ गया, अच्छा फ्यूज कभी ऑड फिगर में नहीं आता, इवन फिगर में आता है, जैसे 1 एम्पियर का आता है, 2 एम्पियर का आएगा, 3 का आएगा, 5 का आएगा, ऐसे आता, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा सवाल दे सकते हो कितने का फ्यूज लगेगा, तो तुमको करंट निकालना है। फिर से सुनो, जब भी फ्यूज पूछ दे, मान लो इसी सवाल में फ्यूज पूछ देते हैं, देखो ये मिटाते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, ये सवाल हटा के हम पूछे कि बताओ इसको कितना फ्यूज लगाएंगे ये सही सही चलेगा, तो करंट 9 आया तो 9 का फ्यूज लगा दे, नहीं 10 का, थोड़ा उससे ज्यादा लगाना चाहिए, पर बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा नहीं लगाओगे, एग्जैक्ट 9 का लगाओगे तो क्या होगा, 9.9 लेता है, तो 9 का लगाओ, बार बार फ्यूज उड़ते रहेगा, परेशान होते रहोगे तुम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा करंट होने से प्रॉब्लम होता है, तो 9 के जगह हम कितने का लगाएंगे, 10 का, या मान लीजिए आपका आंसर आ रहा 4.2, तो कितने का फ्यूज लगा दो, 5 का। ऐसे सब सवाल बनाए जा सकते हैं इसमें से, क्लियर हो गया आपको, 2 प्रकार के क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा, और तो कुछ न्यूमेरिकल है नहीं यार, ये करंट का ही न्यूमेरिकल है, इसमें घुसा दिया इन्होंने और कुछ नहीं।